निर्माण में बच्चों को इंसानों का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, इसलिए लोग कन्याओं के रूप में देवी माँ का पूजन करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि लड़कियों की पूजा करने से भक्तों को उनकी पूजा का वास्तविक फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से 9 दिन तक व्रत रखने वालों को नवरात्रि के अंत में कन्याओं की पूजन अवश्य करना होता है। इस व्रत को पूर्ण कर वास्तविक फल प्राप्ति के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बहू प्रिया नकुलनाथ ने अपने छिंदवाड़ा स्थित शिकारपुर निवास पर शारदीय नवरात्रि के नवमी पर विशाल कन्या पूजन व कन्या भोज का आयोजन किया गया। आयोजन के अंतर्गत नन्ही कन्याओं के मस्तक पर रोली का तिलक व पुष्प वर्षा कर उनका आरती पूजन किया गया। उसके उपरांत उनको प्रसाद स्वरूप हलवा पूड़ी जलेबी दही मिष्ठान आदि द्वारा श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया गया। कन्याओं को दक्षिणा फल उपहार आदि भेंट किए गए। देखिए आज नवरात्रों का आखिरी दिन है, कल दशहरा है। हम दिल्ली में हर साल कन्या पूजन करते हैं और आज सौभाग्य है कि छिंदवाड़ा में कन्या पूजन करने का अवसर मिला, तो आज आपके सामने हमने कन्या पूजन किया। मैं पूरे प्रदेश और ज़िले के वासियों को दशहरा की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।